हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आज हम जानेंगे प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन करते ही क्यों हैं। वो हम इसलिए करते हैं जिससे हम जो हमारा प्लाज्मिड है उसका कॉपी नंबर इनक्रीज कर सकें। इसलिए किया जाता है क्या चीज़, प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं, किस में, प्रोटीन सिंथेसिस की एब्सेंस में। सम प्लाज्मिड क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, किसकी एब्सेंस में, प्रोटीन सिंथेसिस की, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बट जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता इस कंडीशन में। बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैन नॉट रेप्लिकेट इन दिस कंडीशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जब भी बैक्टीरियल कल्चर को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, मैक्सिमम सेल डेंसिटी तक। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्रोटीन इनहिबिटर को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ प्रोटीन इनहिबिटर। फिर बाद में क्या होता है, उसको इनक्यूबेट कर दिया जाता है। कितने टाइम के लिए, 12 घंटे के लिए। उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करता रहता है। और आप कह सकते हो जो हमारा प्लाज्मिड है उसका एम्प्लीफिकेशन होता रहता है इन 12 घंटे में। और हम कैसे प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन करने का एक और तरीका है, किसके ज़रिए, बाय क्लोरोएम्फेनिकॉल की मदद से। प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन किसके जरिए, बाय क्लोरोएम्फेनिकॉल। ये जो होता है इनहिबिट करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। और इनहिबिट करता है किसको, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन को। पर ये इनहिबिट नहीं करता किसको, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को। इट डू नॉट इनहिबिट प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। इससे क्या होता है, हाई कॉपी नंबर बनता रहता है किसका, प्लाज्मिड का। ऐसे भी प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। और एक और रीज़न है हाई कॉपी नंबर बनता रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिप्रेसर नहीं होता। मान लो ये भी कोई कल्चर है, इसमें ये प्लाज्मिड है। जब इसमें हम मतलब जब इसको हम क्लोरोएम्फेनिकॉल से ट्रीट कराते हैं तो जो हमारा प्लाज्मिड का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे प्लाज्मिड है। ये होगी बात कैसे हम प्लाज्मिड को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ये है भी नहीं। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।